नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। एक सत्य है जिसे अगर आप भी जीवन में उतार ले तो आप भी सफल हो जाएंगे। मॉर्निंग शोज द डे। कहते हैं सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। अगर आप सुबह जल्दी जागते हैं तो आप औरों की अपेक्षा ज्यादा जिंदगी जीते हैं और यही समय आपको सफल बनाएगा। अगर आप सफल इंसान के रूटीन पर गौर करें तो पाएंगे कि जब हम जागने के लिए बिस्तर पर आनाकानी कर रहे होते हैं या ये कहते हैं कि और 5 मिनट, तब तक इस देश के सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी के 1 से 2 घंटे जी चुके होते हैं। कई सफल लोगों की जिंदगी और साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि दिन के शुरुआती घंटे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। एक किताब है व्हाट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डू बिफोर ब्रेकफास्ट। इसके ऑथर हैं लॉरा वांडरकम। उन्होंने लिखा है कि सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह का उपयोग किन कामों के लिए करते हैं। आज हम भी आपको इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बताएंगे जो सफल हैं और वो कैसे सुबह अपने समय का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत करते हैं जैक मा से। अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन जैक मा के लाइफस्टाइल की बात करें तो जैक मा सुबह 6 से 7 बजे के बीच जगते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जैक मा सिर्फ 1.5 घंटे ही अब काम करते हैं, लेकिन इन 90 मिनट के हर सेकंड का इस्तेमाल करते हैं वो। इसके बाद जैक मा अपना पूरा समय परिवार को देते हैं और परिवार के साथ ही बिताते हैं। अब बात करते हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक की। टिम कुक सुबह 4 बजे जगते हैं और 4:30 से ही अपनी कंपनी को ईमेल भेजने लगते हैं। 5 बजे के आसपास वो जिम पहुंच जाते हैं। जल्दी जागने वाले कुक देर रात तक भी काम में लगे रहते हैं। वो अपने ऑफिस सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे लास्ट में निकलते हैं। ऑफिस और जिम यानी समय और स्वास्थ्य उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात अगले सफल व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग की। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग सोते ही बहुत कम है। एक वेबसाइट के दावों की बात करें तो जुकरबर्ग की शुरुआत नींद से ही होती थी, क्योंकि कई बार प्रोग्रामर से चैट करते करते सुबह के 6 बज जाते थे, उसके बाद वो अपनी नींद पूरी किया करते थे। अब बात दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफे की। वॉरेन बुफे 6:45 पर नींद से जागते हैं। जागने के बाद 6 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। हालांकि इनका कोई तय शेड्यूल नहीं है, लेकिन इनका 80% समय पढ़ने में बीतता है। अब बात भारत के 3 सफल लोगों की। सबसे पहले मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी हर सुबह 5 से 5:30 के बीच जग जाते हैं। अपने घर एंटीलिया के 2nd फ्लोर पर जिम में वर्कआउट करते हैं। इसके बाद स्विमिंग और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आगे के काम की शुरुआत करते हैं और अक्सर देर रात तक काम भी करते हैं। अब बात रतन टाटा की। रतन टाटा 6 बजे से ही टाटा कंपनियों के साथ मीटिंग में बैठ जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर इनकी सुबह मीटिंग के साथ शुरू नहीं होती। वीकेंड पर वो खुद कार ड्राइव कर निकल जाते हैं या प्राइवेट जेट उड़ाना पसंद करते हैं। और अब जब सुबह उठने वाले लोगों की बात कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे भूल सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी दिन की शुरुआत प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और योगा से करते हैं और उसके बाद पूरे दिन काफी एक्टिव भी रहते हैं। बड़ी बात यह भी है कि वो 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। जिस किताब की हमने सबसे पहले बात की थी उसके राइटर लॉरा वांडरकम कहती हैं कि किताब के लिए किए गए पोल में उन्हें 90% लोगों ने बताया कि सुबह 6 बजे से पहले जागना बहुत फायदेमंद है। तो अगर आप भी इन लोगों जैसा सक्सेस पाना चाहते हैं तो सुबह जागने की आदत डाल ही लें। क्या पता आपकी जिंदगी का ये 1 घंटा आपके सक्सेस की इबारत लिखेगा।